हेलो दोस्तों, हमारा ऑनलाइन टीचर में स्वागत है। अगर आप लोग भी आधार कार्ड में न्यू मोबाइल नंबर या अपडेट करवाना चाहते हैं मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डलवाना चाहते हैं अपने आधार कार्ड में, तो ये आपको सुविधा घर बैठे ही मिल सकता है। तो ये न्यू अपडेट आया है UIDAI और जो है इंडियन पोस्ट यानी कि भारतीय डाक की तरफ से जो है दोनों ने एक कंसर्ट जारी किया है कि वो आपका जो है इंडियन पोस्ट जैसे आपको घर पे कुछ भी डिलीवर करके जाता है अपने आपके पते पर, उसी तरह जो है आपके पते पर आके फिंगरप्रिंट लेके आपका जो है आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अपडेट करेगा। और न्यू आधार कार्ड भी आप अपने छोटे बच्चे या 5 साल का जिसका उम्र कम है उसका बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपको जो है इस वेबसाइट को खोलना है, इसका मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए ऊपर आपको जो है नेम आपको लिख देना है, नेम के बाद आपका एड्रेस, जिस एड्रेस पर आप अपडेट करवाना चाहते हैं उस एड्रेस को लिख देना है आपको। वहीं पर आपका विजिट करेगा जो इंडियन पोस्ट का जो है कर्मचारी बोलिए, वो आपके घर पे विजिट करेगा, आपका फिंगरप्रिंट लेके न्यू आधार कार्ड या अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो पिन कोड लिख देना है, अगर आप सही पिन कोड लिखते हैं तो आपको वहाँ सही जगह और ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर आप अपडेट करवा सकते हैं। और सिलेक्ट सर्विस पे ये देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ देखिए सिलेक्ट सर्विस पे क्लिक करके आपको आधार कार्ड, यहाँ देखिए मेल बुकिंग बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन मुझे आधार कार्ड का काम है। ये देखिए लास्ट से सेकंड में ये देखिए आधार सर्विस IPPB यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आधार सर्विस, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ देखिए सेलेक्ट कैटेगरी आपको क्या करना है, UIDAI चिल्ड्रन आधार कार्ड 0 से यानी कि 5 साल ईयर तक आधार इनरोलमेंट यानी कि न्यू आधार आप बना सकते हैं। और जिसका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आधार लिंक या अपडेट करवाना हो न्यू, या मान लीजिए आपका पहले से है वो मोबाइल नंबर खो गया है तो न्यू ऐड कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद रिक्वेस्ट OTP, आपको जो यहाँ मोबाइल नंबर दिया उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा यानी कि वन टाइम पासवर्ड, आप जैसे ही सबमिट करते हैं आपका जो है रिक्वेस्ट जारी हो जाएगा, वहाँ आपका 7 या 6 अंकों का रिक्वेस्ट नंबर जारी हो जाएगा। उस नंबर से आप यहाँ देखिए क्लिक टू ट्रैक योर रिक्वेस्ट में, यहाँ देखिए क्लिक टू ट्रैक योर रिक्वेस्ट, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये देखिए यहाँ लिखा हुआ एंटर योर मोबाइल नंबर रिक्वेस्ट रेफरेंस नंबर, आप यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल के भी चेक कर सकते हैं और रेफरेंस नंबर भी डाल के इस तरह चेक कर सकते हैं। और नीचे में जैसे ही फर्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका डिटेल दिखा दिया जाएगा। और ये जो है आपका इस तरह से काम करेगा कि आपका रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा वो 3 से 4 दिन यानी कि आपके एड्रेस पे डिपेंड करता है, आपका एड्रेस जितना नज़दीक हो पोस्ट ऑफिस से उतना जल्दी आपको घर पे आके फिंगरप्रिंट लेके आपका आधार अपडेट कर देगा या न्यू आधार बन जाएगा। अगर न्यू आधार भी बन जाता है तो आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा, इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो PVC आधार कार्ड भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये इंडियन पोस्ट की तरफ से काफ़ी अच्छा सर्विस है। अगर आप लोग को भी वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। अगर मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो बना दूंगा क्योंकि जिसमें फुल प्रोसेस होता है आधार कार्ड का अप्लाई करने का इंडियन पोस्ट से, काफ़ी अच्छा इंडियन पोस्ट ने शुरू किया है। आप लोग मेरे चैनल में जो भी नए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी आधार कार्ड में करेक्शन करवाना चाहते हैं मोबाइल नंबर ईमेल आईडी, ये काफ़ी अच्छी सुविधा है UIDAI की तरफ से। आई होप आपको जानकारी चल गई, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए जब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।